हारिस, मैं इसी माह तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, इनमें से देख के सेलेक्ट कर लो। ये लो। अम्मी मुझे नहीं करनी है शादी। कितनी बार आपसे कहा है, आप क्यों नहीं मान रही मेरी बात? क्योंकि एक बार मैं तुम्हारी बात मान चुकी हूँ, लेकिन अब मैं उस घमंडी लड़की को ना तुम्हारी जिंदगी का रोग नहीं बनने दूंगी। देखो हारिस, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, बस। मैंने फैसला कर लिया कि शादी तो तुम्हारी इसी माह होगी। इसमें से तुम लड़की पसंद करके मुझे रात में बता दो, वरना वरना क्यों? वरना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हें इस तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं तुम्हें ऐसे जीते हुए नहीं देख सकती। इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है बेटा, तुम्हारी खुशी या फिर मेरी मौत। ब्लैकमेल कर रही हैं आप मुझे? ऐसा ही समझ लो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन जब मेरे नसीब में तुम्हारी खुशी देखना है ही नहीं, तो फिर जीने का फायदा क्या? अम्मी प्लीज, क्या हो गया है आपको? मरे आपके दुश्मन, और आप प्लीज मुझसे ये बातें मत किया करें। मैं मायूस हो चुकी हूँ हारिस, बहुत मायूस। मैं ये सोचती थी कि मेरा बेटा मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी भूल थी। अम्मी मैंने आपकी खुशी से कब इनकार किया बताइए? पिछले 6 माह से तुम क्या कर रहे हो? झूठे वादों पे टरका रहे हो तुम मुझे, और मैं तुम्हारी हर बात पे यकीन कर लेती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी को तरजीह दी, मैंने हमेशा चाहा कि तुम खुश रहो। क्या तुम मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते? देखो बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना, लेकिन मानो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी तुम सजा मुझी को दे रहे हो। अच्छा ना बाबा, प्लीज प्लीज रोइए मत, देखिए मुझे। मान लूंगा आपकी बात, कर लूंगा शादी, मगर अपनी पसंद की लड़की से। क्या मतलब है? मतलब ये कि आप मुझसे कोई ना कोई लड़की पसंद करवाएंगी ना, तो बस तय हो गया। आप मुझे लड़की पसंद करवाएं और मैं शादी कर लूंगा। हाँ, मगर जल्दबाजी में नहीं, इस बार सारे फैसले बहुत सोच समझ के और सुकून से करना चाहता हूँ। ठीक। और हाँ प्लीज, ये अब जो आपने कहा आइंदा मत कीजिएगा मुझे। नहीं करूंगी।